अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई हमीरपुर ने महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त दीवार को गिराकर वहां पर नई दीवार खड़ी करने के लिए कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया। महाविद्यालय के छात्रों की लंबे समय से मांग रही है कि हमारी सुरक्षा के लिहाज से इस दीवार को गिराया जाना चाहिए और विद्यार्थी परिषद लंबे समय से ये आंदोलन लड़ रही है। हर बार प्रशासन छात्रों को झूठे आश्वासन देता है, अभी तक उस दीवार का काम शुरू नहीं हुआ है। बरसात में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। छात्रों की आवाज बनकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये धरना प्रदर्शन महाविद्यालय में उसी दीवार पर चढ़कर तथा सात के स्थान पर किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने साफ साफ शब्दों में प्रशासन को कहा है कि अगर जल्द से जल्द दीवार का मरम्मत कार्य शुरू नहीं होता है तो विद्यार्थी परिषद खुद ही उस दीवार को वहां से हटा देगी, चाहे उसके लिए विद्यार्थी परिषद को किसी भी हद तक जाना पड़ जाए। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा तानाशाह रवैया अपनाया गया। पहले तो विद्यार्थियों को, जो कि छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पुलिस बल के द्वारा डराया धमकाया गया। बाद में कॉलेज द्वारा बनाए गए पहचान पत्र छीन लिए गए, जो कि किसी भी आधार पर उचित नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वहां की एक एक ईंट उखड़ नहीं जाती। विधानसभा में विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाए जाने की चौतरफा निंदा की जा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विधायकों के वेतन भत्तों को बढ़ाने का कड़ा विरोध किया है। हमीरपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि एक और तो प्रदेश सरकार कर्जे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक हैं और वेतन भत्तों का बढ़ने का सबसे पहले विरोध कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक ने विरोध किया है। कश्मीर सिंह ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के द्वारा वेतन भत्तों को लेकर एक स्वर में बात की जा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में केवल कम्युनिस्ट विधायक राकेश सिंघा ने सबसे पहले भत्तों का विरोध किया, लेकिन बाकी विधायक चुप रहे। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी इस निर्णय के बिल्कुल खिलाफ है। वास्तव में हिमाचल की सरकार कर्जे पर चल रही है और हमारे, आपने देखा होगा, विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही माल है। एकमात्र विधायक है जो सीटू का अध्यक्ष रहा पहले, राकेश सिंघा, उसने विरोध किया और उसने कहा भी कि जो वेतन और भत्ते जो बड़े हैं, मैं उसको नहीं लूंगा और ये जनता का पैसा है, जनता का शोषण है, सरकार कर रही है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि दोनों एक ही स्वर में बोल रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस। हम तो विरोध करते हैं इसका, हम आज भी विरोध करेंगे। राष्ट्रीय पोषण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभाग अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें ताकि किसी भी शिशु तथा किशोर किशोरी कुपोषण का शिकार ना हो सके। ये बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सौजन्य से आयोजित पोषण माह के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आमजन को पोषण की मूल अवधारणा से अवगत करवाने तथा लक्षित वर्गों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पोषण माह में राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्यों को पूर्ण करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य किशोर किशोरी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित पोषण के विषय में जागरूक करना तथा उन्हें उचित पोषण उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि कुपोषण को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए इस वर्ष पोषण माह को हर घर पोषण व्यवहार के रूप में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जिला बिलासपुर के सभी नागरिकों को पोषण के महत्व के बारे में जागरूक करना है। जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा वर्कर 6 वर्ष तक के बच्चों
व 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का स्वास्थ्य संबंधी घर घर जाकर पोषण तथा स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता में जहां जन जन का सहयोग आवश्यक है, वहीं जन प्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन समितियों, सरकारी विभागों की भागीदारी अपेक्षित है। इस अवसर पर उन्होंने पोषण कैलेंडर का शुभारंभ किया तथा इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाने का आग्रह किया।